पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर फटा कार का टायर। कार का टायर फटने से कई लोग घायल हो गए। लखनऊ से सीतापुर जा रहे थे कार सवार। इटौंजा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना है, जहां कार का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया और कई लोग इस हादसे में घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे पर कार का टायर फट गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। कार का टायर फटने से कई लोगों को चोटें आईं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लखनऊ से सीतापुर जा रहे थे कार सवार। सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवा, एक कार का टायर फटने से पूरा हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? देखिए हिना, तकरीबन 10:30 बजे की घटना बताई जा रही है। इटौंजा थाना क्षेत्र का नेशनल हाईवे है, जो लखनऊ सीतापुर राजमार्ग को जोड़ता है, और इसी राजमार्ग पर यहाँ पर हादसा हुआ है। जो कुछ कार सवार लोग थे, जिसमें 3 लगभग लोग बताया जा रहा है, वो लखनऊ से सीतापुर की ओर जा रहे थे, और ये स्थानीय लोग हैं जो लखनऊ के ही रहने वाले हैं। और इनकी कार जब सीतापुर हाईवे पर चल रही थी, उसी दौरान टायर फट गया था, जिसकी वजह से कार पूरी तरीके से नियंत्रित हो गई और जो हाईवे के किनारे की खाई थी, जो गड्ढा था, वहां पर गाड़ी जा चुकी थी। स्थानीय लोगों की मदद से फौरन पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने जो कार में फंसे लोग थे, उनको स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से जिसमें एक लोग जो गंभीर, जिसको चोटें आई हैं, जो चालक है गाड़ी का, उसको ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। लेकिन जो बाकी अन्य लोग हैं, उनको प्राथमिक तौर पर इलाज के दौरान उनको छूट दे दी गई है, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति इस पूरी घटना में घायल हुआ है, जो गंभीर रूप से ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी फिलहाल किसी तरीके की शिनाख्त इन तीनों लोगों की नहीं हो पाई है, जो लोग हैं वो किस जगह के रहने वाले हैं, एग्जैक्टली वो लोग कहाँ पर जा रहे थे। लेकिन बड़ी गलीमत ये रही कि इस बड़ी घटना में कोई किसी का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई किसी की मौत नहीं हुई है। फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में एक शख्स का इलाज चल रहा है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।